हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना। तो आज मैं आप लोग को 6 इम्पॉर्टेंट किचन टिप्स बताऊंगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। तो टिप नंबर 1, हम लोग अक्सर किचन में सब कुछ तो साफ़ करते हैं पर लाइटर साफ़ करना भूल जाते हैं। तो लाइटर साफ़ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये थिनर ले लेंगे जिसको नेल पेंट रिमूवर भी बोलते हैं, और थोड़ा सा कॉटन ले लेंगे। तो इसको थिनर को कॉटन पे लगा के ऐसे थोड़ा सा लगा लेना है, फिर इसको हम लोग लाइटर को अच्छे से साफ़ करेंगे। इससे जो लाइटर पे जो गंदगी जमी रहती है, जो ऑयल जमा रहता है, वो सब साफ़ हो जाता है। तो इसको आप ऐसे साफ़ करेंगे। देखिए मैं जैसे साफ़ कर रही हूँ, तो देखिए मैंने ये साफ़ कर दिया है। देखिए कॉटन नीचे रखा है, देखिए कितना गंदा निकला। देखिए लाइटर कितना साफ़ हो गया, अच्छा लग रहा है। देखिए तो आप अपने लाइटर को ऐसे साफ़ कर सकते हैं, देखिए कितना साफ़ हो गया है। टिप नंबर 2, कभी कभी गेहूं के आटे में चींटियां लग जाती हैं, तो इसके लिए हमें तेज पत्ते, जिन्हें हम लोग बेलीफ भी कहते हैं, इनको लेना है और गेहूं के आटों में ऐसे रख देना है, जिससे गेहूं के आटों में चींटियां नहीं आती हैं। टिप नंबर 3, तो चावल में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये मैच बॉक्स ले लेंगे, माचिस, ये तीलियाँ हैं इसमें, इसको तीलियों से ही चावल में रख देंगे और चावल से ढक देंगे, तो इससे चावलों में कीड़े नहीं लगते और घुन भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, उसमें जो मसाले होते हैं, उसमें सल्फर होता है, तो सल्फर से कीड़े नहीं लगते हैं। टिप नंबर 4, अक्सर बरसात के मौसम में या कभी कभार नमकदानी में सीलन लग जाता है, जिससे नमक बाहर नहीं निकलता है और यहाँ पे जम जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से चावल के दाने ले लेंगे। ये देखिए मैंने चावल के दाने लिए हैं, थोड़े से लेने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से चावल के दाने ले लेंगे और उसको नमकदानी में डाल देंगे। इससे क्या होता है कि नमक में सीलन नहीं लगता है और जो उसके होल होते हैं उससे नमक अच्छे से गिरता है। ये देखिए टिप नंबर 5, अक्सर देखा जाता है कि चीनी में चींटियां लग जाती हैं, तो चींटियां जब चीनी में लग जाती हैं तो फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चीनी में 4-5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा रख देते हैं, जिससे चीनी में चींटियां नहीं लगती हैं, तो ये रख देते हैं। टिप नंबर 6, अंडे को उबालते समय अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो अंडे फटते नहीं हैं और अच्छे से बॉयल भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा नमक डालना है जिससे अंडे नहीं फटते। ये देखिए मैंने अंडा छील के भी रख दिया है, देखिए एक भी अंडा नहीं फटा है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा किचन टिप्स? तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ओके, बाय बाय।